हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? ये मेरा पहला ऑडियो वीडियो होने जा रहा है। ओके, इसके पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो कि ऑडियो लेस थे, पर ये पहला ट्राई है। अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ओके, तो आज का वीडियो जो हमारा है ये है कि हम आज एक एजेंट बनाएंगे, एक वर्कर, इसको हमारे एग्जिस्टिंग क्लस्टर में ऐड करने वाले। तो एजेंट बड़ा सिंपल है, स्पिन अप अ न्यू वर्कर नोड एंड वी विल ऐड दिस नोड टू द एग्जिस्टिंग क्लस्टर। ओके, सो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो हमारी रिक्वेस्ट है वो होगी कि हमारे पास होना चाहिए एक एग्जिस्टिंग क्लस्टर, ओके, जो वेल रनिंग हो। ओके, जिसमें एटलीस्ट एक मास्टर नोड अवेलेबल हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्शन हम मास्टर नोड परफॉर्म करने वाले हैं। इसके अलावा हमें एक रिक्वायर्ड होगा एक वर्चुअल मशीन VM सर्वर, ओके, जिसे हम एज अ वर्कर नोड ट्रीट करने वाले हैं। और बिफोर क्रिएटिंग और डूइंग एनीथिंग ऑन दिस वर्कर नोड, ये कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन हैं जो होना चाहिए उस वर्कर नोड के लिए, जैसे कि हमारा जो OS होना चाहिए Ubuntu 20.0.4 होना चाहिए, रैम एटलीस्ट 4 GB होना चाहिए, और जो रोम होती है या हार्ड डिस्क होती है वो हमारी 8 GB होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्किंग इज़ अ वेरी क्रुशियल पार्ट हियर। ओके, सो जो भी हम वर्कर नोड बना रहे हैं उसकी मास्टर नोड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, वो एक दूसरे को एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो हमारे इनबॉर्न टूल होते हैं उसमें ये पोर्ट ओपनर चाहिए, स्पेशली दिस 6443, ये बहुत क्रुशियल पोर्ट है। ओके, अगर ये ऑफ हुआ तो आपको मल्टीपल एरर आएंगे ड्यूरिंग दी जॉइनिंग दी मास्टर नोड फ्रॉम योर वर्कर नोड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमने क्या किया है कि ये पूरे प्रोसेस को दो स्टेप में डिवाइड करके रखा है। पहले स्टेप जो हम रन करेंगे मास्टर नोड पे करेंगे फॉर जनरेटिंग एंड क्रिएटिंग दी टोकन एंड दी कमांड, ओके, विच इज़ दी क्यू जॉइन कमांड। ओके, क्यू सिटिल जॉइन कमांड, ओके, क्यू बेटिंग जॉइन कमांड। ओके, एंड सेकेंड पार्ट जो कि हमारा रन होगा वर्कर नोड पे, जिसके ऊपर हम बेसिकली हम हमारे जो प्री रिक्वेस्ट होती है या फिर सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल रिक्वायर्ड होगा वो करेंगे ताकि वो एज अ वर्कर नोड ट्रीट हो सके। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले स्टेप फ्रॉम मास्टर नोड। ओके, सो यहाँ मास्टर नोड में क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा AWS अकाउंट है जिसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी मास्टर नोड बना हुआ है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा एक सेटअप किया था, तो मैं वही सेटअप आगे यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, सो लेट मी लॉग इन। ओके, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सो आप देख सकते हैं मैं लॉग इन कर लिया है मेरे मास्टर नोड में और मैं सूडो यूजर बन चुका हूँ। ओके, सो नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले चेक कर रहा हूँ मेरा एग्जिस्टिंग क्लस्टर। ओके, तो मैंने चेक किया इसके अंदर एक मास्टर नोड है और एक वर्कर नोड है जो ऑलरेडी अवेलेबल है इस क्लस्टर में। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरी होस्ट फाइल होती है उसके अंदर मैं अपने नए नोड की एंट्री डालूँगा जो कि हमारा होगा वर्कर नोड 2। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी एक एंट्री अवेलेबल है, मैं क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने वर्कर नोड 2 रखा था, इसलिए एंट्री अवेलेबल है, पर IP एड्रेस डेफिनेटली यहाँ चेंज होगा। तो मैं देखता हूँ IP एड्रेस फॉर वर्कर नोड 2। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा IP एड्रेस है और यहाँ पे IP एड्रेस कुछ और है, तो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ इंसर्ट मोड में आके। आपको बिल्कुल फ्रेश एंट्री डालनी पड़ेगी। ओके, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टोकन जनरेट करना। ओके, तो हम क्यूबेडीएम टोकन लिस्ट का मॉडल रन करेंगे। ओके, तो जैसे ही हम रन करेंगे तो हमें यहाँ टोकन मिल जाएगा, तो ये टोकन मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले इस चला चुका हूँ, ठीक है, जब मैं ये रन बुक तैयार कर रहा था, तो ये सेम टोकन है। आप जब भी चलाओगे आपके सिस्टम पे तो आपको ये टोकन मिलेगा, उसको आपको कॉपी करके रखना है क्योंकि ये आगे काम में आएगा आपके। स्टेप नंबर 3, जिसके ऊपर हम CSR हैश क्रिएट करेंगे। ओके, एक हैश टोकन होता है वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ये भी रिक्वायर्ड होता है, ये भी मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है, पर ये कमांड है इसके लिए, जैसे आप चलाओगे तो आपको हैश टोकन क्रिएट मिल जाएगा, तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, कॉपी करके आप इसे भी रख लोगे। इसके बाद आपके क्लस्टर इन्फो चेक करोगे कि आपका मास्टर नोड का IP एड्रेस क्या है और कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है, तो
तो आप देख सकते हो जो आपका मास्टर नोड है, जिसे हम कंट्रोल पैनल भी कहते हैं, वो मास्टर नोड एज अ मास्टर आईपी और ये पोर्ट यूज़ कर रहा है, तो ये मैंने रख के रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है ये, जिसके अंदर हमारी क्यूब एडीएम जॉइन कमांड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ जब मैंने क्लस्टर इन्फो मास्टर रिपोर्ट निकाला था, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। टोकन यहाँ से मैंने जो फर्स्ट सेकेंड स्टेप में निकाला टोकन, मैंने टोकन के सामने टोकन की वैल्यू डाल दी है। और थर्ड स्टेप जिसके अंदर हमने हैश टोकन जनरेट किया था, वो हैश टोकन मैंने यहाँ और इस प्लेस पे पेस्ट करा है आफ्टर दी कॉलम। ओके, आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी क्यूब एडीएम कमांड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे वर्कर नोट पे। वर्कर नोट पे जाने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा वर्कर नोट पे। सो ये मेरा AWS अकाउंट है, मैं फिर से इधर आया और यहाँ मेरा वर्कर नोट टू ये रहा, इसे मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है इसका SSH, ये मैंने मेरा टर्मिनल खोला, ये मैं डाउनलोड फोल्डर में जा रहा हूँ क्योंकि हमें पेम फाइल अवेलेबल है। ओके, सो आई एम इन माई वर्कर नोट। लेट मी क्लियर माई स्क्रीन, मैं सूडो ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ मैं अपग्रेड और अपडेट करना चलाऊँगा, ये बेसिकली सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड कर देगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट पैकेज है मैं चेक करके सॉल्व कर लेगा। उसके बाद हमें इसका होस्ट नेम सेट करना रहेगा। ये कुछ सेकेंड टाइम लेती है, डिपेंड करेगा आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी पे भी। और ये मैंने होस्ट नेम सेट कर दिया। उसके बाद मैं मेरा यहाँ पे होस्ट एंट्री डालूँगा etc होस्ट फाइल में। यहाँ देख सकते हो कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो मैं इंसर्ट मोड में जाऊँगा। उसके पहले मैं मेरे मास्टर नोड पे जाके यहाँ पे मेरी होस्ट फाइल खोल के एंट्री या कॉपी कर लूँगा, जैसे मुझे मास्टर नोड की एंट्री रिक्वायर्ड रहेगी, तो मैं ऑलरेडी मैंने कॉपी की यहाँ पे डाल दी। सिमिलरली नोड टू की रिक्वायर्ड रहेगी, मुझे नोड वन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी मुझे कम्युनिकेशन करना है वर्कर नोड टू को, वो मास्टर से करना है। ठीक, सो डन, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही है। जब हो रही है दैट्स गुड। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ, जो कि है मेरा इंस्टॉलिंग क्यूबलेट, क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएस। ओके, तो उसके लिए पहले ये बेसिक पैकेजेस है जो हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि कर्ल और सेमेस्टर पैकेज थे। उसके बाद ये कमांड करेंगे जिसके थ्रू हमारे पैकेज रिपोर्ट क्रिएट होगी। उसके बाद हमारे होस्ट डॉट लिस्ट फाइल में ये एंट्री ऐड करवा देंगे। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली हमारे सिस्टम को, हमारे जो पैकेजेस हैं उन्हें अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पैकेज हमारे अवेलेबल है सोर्स डॉट लिस्ट में, सारे अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद हम, सॉरी दोस्तों, मैं नेटवर्क का इशू हुआ है, मुझे नेटवर्क कनेक्ट करने दीजिए, ये कुछ सेकंड लेगा। पावर लॉस के चक्कर में होता है कई बार ये चीजें। ओके डन, सो या सो कमिंग बैक टू दी सिस्टम। सो अब मैं कुछ पैकेज इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ओके कनेक्शन लॉस वाले चक्कर में वो सिस्टम से बाहर आ गया, और जैसे ही ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, तो मैं जो तीनों यूटिलिटी जो मैंने डाउनलोड की थी उसे मैं होल्ड पे डाल दूंगा। डन, उसके बाद मैं चेक करूंगा मेरा क्यूबसिटी वर्जन। ओके, तो आप देख सकते हो ये
मेरे एक्वेरियम कुछ डेढ़ वर्जन जो इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको ये वार्निंग दिख रही है, फिर वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये डेप्रिकेशन के चक्कर में आती है। अब हमारे स्टेप नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे स्वैप स्वैप मेमोरी को डिसेबल कर रहे हैं। तो आप ये चारों स्टेप एक साथ चला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारा जो भी कर्नल है, कर्नल मॉडल, उसे हम इनेबल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये बिलो कमांड यूज़ कर रहे हैं, देन हमारा जो भी सिस्टीएल है उसकी सेटिंग हम करने जा रहे हैं। कुछ एंट्री हम ऐड कर रहे हैं फॉर कनेक्शन और नेटवर्क पर्पस, और हमारे सिस्टम सिटीएल फाइल को हम रीलोड कर रहे हैं। डन, इट्स डन। अब हम कंटेनर रन टाइम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। आपने अगर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा हो, कुबरनेट के मास्टर क्लाइंट आर्किटेक्चर, तो क्लाइंट वाले पार्ट पे मेनली 3 प्रोसेस रन करती है, पता होगा, एंड कंटेनर रन टाइम वन ऑफ देम है, ओके। आप बता सकते हो रेस्ट ऑफ 2 जो प्रोसेस है कौन सी रन होती है इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो इससे आपका नॉलेज भी चेक होता रहेगा और मुझे भी पता चलता चलता रहेगा कि मेरी ऑडियंस को और किस टॉपिक की ज़रूरत है। ये सारे स्टेप जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, कंटेनर रन टाइम को इंस्टॉल करने के लिए कर रहे हैं, वर्क आउट पे। इसके बाद जब ये स्टेप कंफर्म ऊपर स्टेप चल चुके होंगे, तो उसके बाद हम आज सिस्टम अपडेट करके CRI-O जो कंट्रोल रन टाइम है उसे हम इंस्टॉल करेंगे। जब स्टेप डन हो जाएंगे तो उसके बाद हम हमारे कंट्रोल रन टाइम है उसके लिए हम CIDR सबनेट को फिक्स करेंगे। सेट करेंगे आप कह सकते हो। जब हमारे प्रोसेस डन हो चुकी, तो ये हमारी लास्ट 4 कमांड है जो बेसिकली हमारे रन टाइम को, कंटेनर रन टाइम को स्टॉप स्टार्ट करके इनेबल करेगी, स्टेटस चेक करेगी, दैट्स इट, ओके। तो आप देख सकते हो चल रहा है, कंट्रोल सी दबा के हम बाहर आ जाएंगे इस प्रोसेस से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने ऊपर क्यूबलेट को होल्ड पे डाला था उसे हम इनेबल कर रहे हैं। सी, अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये वर्क नोट पूरा रेडी है, अब हमें बस ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए हमें ज्वाइन कमांड रिक्वायर्ड होगी, जो कि हमने ऊपर मास्टर वाली प्रोसेस में क्रिएट की थी, आपको याद हो तो हम जा रहे हैं उसे लेने। ये रेडी है हमारी प्रोसेस, ओके। इसमें मैं एक एडिशनल कुछ कमांडो डाल दूंगा, -v = 5। इसका पर्पस ये होता है कि जब भी ये क्यूब जॉइन कमांड रन करेंगे हम वर्क नोट पे, तो हम इसे लाइव देख सकते हैं, ये बैक एंड पर रन नहीं होगी, फ्रंट एंड पर रन होगी, और हम चेक कर सकते हैं लॉग्स जो भी जनरेट करेगी। तो हम देख रहे हैं जैसे कि चल रही है, ये कुछ सेकेंड लेती है, नॉट मोर देन दैट। अगर कुछ ज़्यादा टाइम ले रही है तो डेफिनेटली सम कनेक्शन इशू है बिटवीन मास्टर एंड सर्वर, और सम कॉन्फ़िगरेशन इशू है। सी, ये क्लस्टर ज्वाइन कर चुका है ये वर्कर नोट, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाना है मास्टर नोट पे अगेन और ये कमांड रन करनी है। तो हम चलते हैं मास्टर नोट पे, तो ये मास्टर नोट पे आ गया और ये मैंने sudo करके चलाई कमांड kubectl get nodes, और सी, मैजिक इज डन, हमारा नया नोड ऐड हो चुका है इसमें। तो इस तरीके से हमने हमारा इस रन बुक का एजेंडा हमने अचीव कर लिया, और इस वीडियो का एजेंडा हमने अचीव कर लिया है। हमने हमारा नया वर्कर नोड बना के उसे हमने एग्जिस्टिंग क्लस्टर में ऐड करना सीख लिया है। ये चीज़ आपको आई थिंक IT कंपनी में बड़ी हेल्प करने वाली, बेसिकली स्पेशली फॉर दोज पीपल
हु विल वर्क एज अ एडमिनिस्ट्रेटर इन दी कंपनी, स्पेशली कुबरनेट्स एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट. ओके, मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ बना सकूँ, स्पेशली फॉर डे ऑफ्स एंड फॉर अदर आईटी टेक्नोलॉजीज, पर मेरा मेन फोकस रहेगा डे ऑफ्स. सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न एनी न्यू टॉपिक और यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर, सॉरी नॉट शेयर, प्लीज़ डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई विल शेयर दी गिट रेपो फॉर दिस डॉक्यूमेंट, सो यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फ्रॉम दैट रेपो फॉर प्रैक्टिसिंग एट योर पर्सनल पीसी और इन योर सर्वर एज वेल. ओके, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, बाय.